सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वेकेंड बाइट किचन। तो आज हम लोग बहुत ही टेस्टी रेसिपी लाए जिसका नाम है मटन नल्ली निहारी। सो चलो और देखते हैं कैसे बनता है और ट्राई करो, हम लोग को देखने के बाद कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग ने मटन नल्ली निहारी बनाने के लिए 1.5 किलो मटन लिया है, जिसमें कि इसमें नल्ली भी लिया है और पीसेस भी लिया है। आप सिर्फ नल्ली पे भी बना सकते हो या तो पीस पे भी बना सकते हो, हम लोग ने मिक्स करके लिया है। मटन नल्ली निहारी बनाने के लिए हम लोग को ये सब सामग्री लगता है, इसको भूंज करके हम लोग पीसते हैं। तो आइए आपको सामग्री का नाम बताते हैं। तेजपत्ता, सौंफ, जीरा, दालचीनी, जावित्री, धनिया, लौंग, काला मिर्च, खसखस, पत्थर के फूल, बड़ा इलायची, छोटा इलायची, स्टार एनी, जायफल, और ये हम लोग मिर्च ले लेंगे, इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। गैस चालू करेंगे और ये सब मसाले को अभी हम लोग धीमी आंच में भूंजेंगे। मसाला बन करके भूंज करके तैयार हो गया है, तो अब हम लोग इसे मिक्सी में डालेंगे और थोड़ा सा हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम में इसको नहीं पीसेंगे, थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद हम लोग इसको मसाले को ग्राइंड करेंगे। मसाला पीस करके हो गया है, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। अब इसमें कुछ मसाला डालेंगे, जैसे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जिंजर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। अभी निहारी मसाला हमारा मिक्स करके हो गया है होममेड, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हम लोग इसको मटन को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो निहारी मसाला बनाया घर पे वो हम लोग इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, कोट करेंगे अच्छे से पूरा। मटन नल्ली निहारी को कोट करके रख दिया है, अभी इसको 10 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक क्या करेंगे, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं और कुकर भी ले सकते हैं। हम लोग कुकर लिए हैं, तो अभी हम लोग इसको चालू करेंगे और प्याज भूंजने के लिए प्रोसेस में लगेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल लेंगे, इसमें डाल देंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। मतलब कि हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम लोग प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ स्लाइस, हल्का गोल्डन होगा तब तक इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फ्राई हो गया है, तो अब हम लोग जो मैरिनेट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़े थे, अब इसको हम लोग इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से प्याज को मिक्स करेंगे। जब तक ये थोड़ा सीज रहा है तब तक हम लोग जिंजर का पेस्ट बनाएंगे। हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे, इसके लिए हम ढेर सारा हम लोग लहसुन ले लेंगे, ढेर सारा अदरक ले लेंगे, और हम लोग बड़ी खड़ी हरा मिर्च ले लेंगे। अब हम लोग मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए इसको ले लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसमें हम लोग दही डालेंगे, इसमें हम लोग 4 चम्मच दही डालेंगे। अलग पक गया है, तो अभी हम लोग गर्म पानी डालेंगे 1 लीटर। और इसको अभी हम लोग ढक करके रख देंगे, 45-50 मिनट्स रख देंगे, कि जब तक ये बॉईल नहीं आता तब तक इसको हम लोग ढक करके छोड़ देंगे। मेरा देखते हैं कि मसाला किस तरह से पक गया है। तो अभी देखो मसाला में पूरा बॉईल आ गया है, मसाला हमारा पक गया है, लेकिन ये जो पानी है मतलब ग्रेवी है, ये ग्रेवी बहुत ही पतला है, तो इसको हम लोग गाढ़ा बनाने के लिए, तो हम लोग मोटा ग्रेवी बनाने के लिए आटे लेंगे। आटा में हम लोग पानी लेंगे थोड़ा सा, इसमें येला घोल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब इसको हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, क्योंकि नमक हम लोग ने आधा डाला था, तो अभी हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि नमक और नीड है कि नहीं। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नली हमारा मटन नली निहारी रेडी हो चुका है, जो कि देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अब हम लोग सर्व करते हैं। आई होप आपको ये मटन नली निहारी का रेसिपी पसंद ही आया होगा, और वैसे भी हम लोग ने भी आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, तो आप भी फर्स्ट टाइम घर पे ट्राई करो और देखो कैसा बनता है। हमें तो टेस्टी लगा बना वो, क्योंकि हम लोग ने उसका मुकबैंग वीडियो शूट किया, वो आपको मिलेगा वीकेंड बाइट पे, वहाँ जाके देख सकते हो। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज अभी जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अब तक वीकेंड बाइट किचन को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो। सो प्लीज और कमेंट करके बताओ।